दोस्तों, ये जो रेलवे क्रॉसिंग आप देख रहे हो, यहाँ अक्सर कोई आत्मा लोगों को खुद के पास बुलाती हुई दिखाई दी है और जिसके चलते लोग अचानक से ही रेलवे ट्रैक पर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी है डोंबिवली रेलवे स्टेशन की। चलो तो आज हम इंडिया के कुछ ऐसे ही रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले है। नंबर 1, बारोग रेलवे स्टेशन शिमला। हिमाचल के सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा रेलवे स्टेशन है जहां पास में एक टनल भी मौजूद है। इस टनल में अक्सर लोगों ने किसी के हंसने की आवाज सुनी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस टनल में उन्हें ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर कर्नल बारोग की आत्मा नजर आती है। बहुत पहले जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तब उन्होंने कर्नल बारोग को टनल के कुछ मिसकैलकुलेशन की वजह से बहुत टॉर्चर किया था और जिसके चलते बारोग ने खुद को ही गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। उसकी बॉडी जो टनल वो बना रहा था उसके बाहर ही दफनाई गई थी और अभी तक उस टनल का कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसकी आत्मा गाँव में घूमती रहती है और अजीब अजीब आवाज भी करती है। नंबर 2, डोंबिवली रेलवे स्टेशन मुंबई। डोंबिवली सिटी तो पूरे मुंबई में काफी फेमस है और डोंबिवली रेलवे स्टेशन की अगर बात करूं तो सच में वो एक खौफ है। डोंबिवली कोपर के रेल क्रॉसिंग ने न जाने कितने लोगों की जान ली है। वहां के लोकल्स ये कहते हैं कि जो लोग उस रेल क्रॉसिंग में मरे थे उन्हें किसी ने अपने वश में कर लिया था और फिर वो लोग बिना कोई मतलब के रेलवे ट्रैक के बीच में जाकर खड़े हो जाते थे। एक बार कुछ ऐसे हुआ था कि एक आदमी अपने काम पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने निकला था, तब उसे एक ऑफिस जाने वाली औरत ट्रेन का इंतजार करते हुए दिखाई दी। वो बहुत रो रही थी, तो जब उस आदमी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो औरत रोते हुए आवाज में बोलने लगी, मुझे घर जाना है पर मैं नहीं जा सकती, और फिर कुछ ही मिनटों में वो वहां से गायब हो गई। दूसरे दिन उस आदमी ने अपने फ्रेंड के साथ ये सब कुछ डिस्कस किया, तो तब उस फ्रेंड ने उस आदमी को बोला कि यहाँ ऐसी कोई औरत नहीं है, लेकिन उस आदमी को वो औरत अक्सर दिखाई देती थी। नंबर 3, बेगम कोदर स्टेशन वेस्ट बंगाल। ये रेलवे स्टेशन करीब 42 साल से बंद है क्योंकि यहाँ के लोगों ने कुछ ऐसे डरावने हादसे देखे हैं जिससे लोग आज भी उस स्टेशन के आसपास जाने से भी डरते हैं। बहुत से पैसेंजर कुछ अजीब घंटे पर स्टेशन पर उतरते थे और ऐसे भी कहा जाता है कि एक औरत उस रेलवे स्टेशन पर के लोगों को जान से मार देती है। जिन लोगों ने उस औरत को देखा है वो कुछ ही घंटों बाद अचानक से ही मर जाते हैं। आपने स्त्री मूवी तो देखी होगी, बिल्कुल वैसे। 2009 में ये रेलवे स्टेशन फिर से ओपन किया गया था, लेकिन आज भी लोगों के मन में बहुत डर भरा हुआ है। नंबर 4, लुधियाना जंक्शन पंजाब। ये रेलवे स्टेशन पंजाब में काफी ज्यादा फेमस है और साथ ही यहाँ के भूतिया कहानियां भी। बहुत पहले इस रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन सिस्टम में सुभाष नाम का एक आदमी काम करता था। वो अपने काम से बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से ही 2004 में उसकी मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा उस रिजर्वेशन सेंटर ऑफिस में छुपी हुई है। उसके ऑफिस में आज तक कोई भी काम नहीं कर पाया है और अक्सर उसकी आत्मा रोते हुए दिखाई दी है। इसीलिए लुधियाना जंक्शन इंडिया की सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। अगर आप ऐसे ही कोई हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।